या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः के उद्घोष के साथ ही वैदिक रीति से पूजन के बाद शक्ति की अधिष्ठात्री माँ दुर्गा के दर्शन के लिए लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। शुक्रवार को महासप्तमी के दिन माँ के कालरात्रि के रूप की पूजा होती है। देशभर के कई राज्यों में इन दिनों दुर्गा पूजा की धूम देखते ही बनती है। इस मौके पर त्योहार की रौनक चारों तरफ महसूस की जा सकती है। माता की पूजा के लिए भक्तों का उत्साह देखते ही बन रहा है। पौराणिक कथाओं के अनुसार देवी दुर्गा द्वारा महिषासुर राक्षस का वध करने और बुराई पर अच्छाई की जीत के प्रतीक के रूप में यह त्योहार मनाया जाता है। दुर्गा पूजा की धूम यूं तो हर एक हिस्से में दिखाई पड़ती है, लेकिन पश्चिम बंगाल में देवी की पूजा देखते ही बनती है। इस अवसर पर पूजा पंडालों को खूबसूरत तरीके से सजाया जाता है। इस मौके पर मंदिरों पूजा पंडालों में माँ के दर्शन के लिए श्रद्धालुओं की भीड़ लगी हुई है। यहाँ के विशेष पूजा पंडालों दुर्गा मूर्तियों और रंगीन रोशनियों से जगमग मंदिरों के आकर्षण को देखने के लिए लोग दुनिया भर से इस दौरान कोलकाता पहुँचते हैं। माँ दुर्गा की पूजा के लिए राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी अपने पैतृक घर पश्चिम बंगाल के मिराती में हैं। উৎসবের মরশুমে সবাই ভালো থাকুন এবং প্রতিটি ধর্মীয় অনুষ্ঠানের মূল বক্তব্য হচ্ছে মানুষের মধ্যে সৌভ্রাতৃত্ব, মানুষের মধ্যে ভাব ভালোবাসা এবং মানুষে মানুষের সম্পর্কের উন্নতি, এইটি সমস্ত ধর্মের লক্ষ্য। असम के गुवाहाटी में कामाख्या मंदिर में माँ के दर्शन के लिए लोगों की भारी भीड़ देखी जा रही है। वहीं प्रदेश के अन्य हिस्सों में देवी की पूजा अर्चना पूरे विधि विधान के साथ की जा रही है। जगह जगह पूजा पंडाल बनाए गए हैं जहां देवी दुर्गा की पूजा की जा रही है। इन पंडालों में देवी के दर्शन के लिए लोगों की भारी भीड़ देखी जा रही है। ओडिशा में भी देवी की पूजा पूरे हर्षोल्लास के साथ की जा रही है। मंदिरों और पंडालों में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ देखी जा रही है। कर्नाटक में भी माँ दुर्गा की पूजा अर्चना की जा रही है। यहाँ का मैसूर दशहरा देश ही नहीं दुनिया भर में मशहूर है। यहाँ पर कई तरह के सांस्कृतिक कार्यक्रमों का भी आयोजन हो रहा है, जिसे देखने के लिए काफी संख्या में लोग एकत्रित होते हैं। दुर्गा पूजा में आने वाले श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की असुविधा ना हो, इसके लिए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। दिल्ली मुंबई समेत देश भर के तमाम शहरों में नवरात्र की अपनी अलग छाप दिख रही है और लोग धार्मिक और सांस्कृतिक कार्यक्रमों में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। नवरात्र महोत्सव में गुजरात में जगह जगह आयोजित डांडिया और गरबा नृत्य बड़ी संख्या में युवाओं को आकर्षित करते हैं। माँ दुर्गा का आठवां रूप महागौरी के नाम से जाना जाता है। अष्टमी के दिन महागौरी की पूजा का विधान है। ऐसा माना जाता है कि अष्टमी के दिन देवी दुर्गा ने महिषासुर का वध किया था और नवमी तिथि को देवी को भोग चढ़ाया जाता है। नवमी तिथि के दिन चंड मुंड असुरों का विनाश करने वाली माता चामुंडा के रूप की पूजा की जाती है। दशमी तिथि के बाद माता की मूर्ति का विसर्जन किया जाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज़।